नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पुरंजय ज्योतिष से आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय ज्योतिष का जो 12 किस्म के कालक्षेप योग है उनमें से छठा किस्म के जो भयानक कालक्षेप योग है महापद कालक्षेप योग, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कैसे एक जन्म कुंडली में ये महापद्म कालक्षेप योग बनता है और इसका फल क्या होता है और कैसे इस भयानक काल सर्प से बचा जा सकता है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आपके खुद के जन्म कुंडली में या आपके अपनों के जन्म कुंडली में अगर ये योग दिखाई देता है तब इस भयानक कालक्षेप योग के जो फल है उससे खुद को और अपने अपनों को रक्षा करना। जब किसी भी जन्म कुंडली में लग्न से छठा भाव में या घर में राहु या ड्रैगन सेट का अवस्थान और लग्न से 12वें भाव में केतु या ड्रैगन टेल का अवस्थान रहता है और ऐसी दशा में राहु और केतु का एक्सिस के कोई भी एक दिशा पे, वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सारा ग्रह उपग्रह और नक्षत्र आ जाता है तब भारतीय ज्योतिष में उसको महापद्म कालक्षेप योग माना जाता है। जिन लोगों के जिंदगी में ये महापद्म कालक्षेप योग दिखाई देता है उनके जीवन शुरू से ही बहुत सारा परेशानियों से गुजरता है। इन लोगों के जिंदगी में उनके करीब ही उनके दुश्मन बन जाता है। बचपन से ही इन लोगों के साथ इनके माता और माता से संपर्कित कोई भी संपर्क के साथ अनबन बनते ही जाता है। जिंदगी भर इन लोगों को बहुत सारा आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनके जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिलता। प्यार में बार बार इन लोगों को धोखा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। शादी के बाद इन लोगों को पता चलता है कि उसके जीवन साथी सही नहीं है। जैसा सोच के वो शादी किया उसके पूरा उल्टा रंग उसको दिखाई पड़ता है उसके जीवन संगी में। इसी वजह से अक्सर इन लोगों का शादी टूट जाता है। ये लोग अक्सर असामाजिक काम पे जुट जाता है और फलस्वरूप इसके जिंदगी में कानूनी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है, कभी कभी जेल भी जाना पड़ता है। इन लोगों के जिंदगी में संघर्ष कभी भी खत्म नहीं होता है। समाज से इन लोगों के चरित्र लेके बहुत कुछ सुनना पड़ता है। जिंदगी भर इन लोगों को मानसिक हताशाओं से गुजरना पड़ता है। अक्सर ये लोग गला और पेट का बीमारियों का सामना करता है। हेल्थ इश्यूज के वजह से ये लोग बहुत सारे एक्सपेंसेस कट जाता है। बुढ़ापे में इन लोगों का बहुत सारा शारीरिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जिन लोगों के जिंदगी में ये महापद्म कालक्षेप योग का प्रभाव होता है वो अगर प्रति शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्पण करने के बाद हनुमान को अपनी हाथों से केला चना और गुड़ अर्पण करे तब वो उसके लिए शुभ होगा। और अगर ऐसी जातक किसी भी शनिवार को सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष लेके एक साथ विधि पूर्वक धारण करे तब भी ऐसे जातक के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके जन्म कुंडली में महापद्म कालक्षेप योग है तब आप हमें कमेंट और व्हाट्सएप कीजिए। और अगर आप इसके प्रभाव से खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। भारतीय ज्योतिष कोई अंधविश्वास या कुसंस्कार नहीं है, ये एक विज्ञान है और भारतीय वेद का एक अंग है। इसीलिए मैं सौरभ आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि आप सभी भारतीय ज्योतिष को सही तरह से जान के वो खुद की जिंदगी में प्रयोग करके खुद की जिंदगी को उन्नति के शिखर पे ले जाइए। आने वाला वीडियो में हम भारतीय ज्योतिष का
बाकी किस्म के भयानक कालसर्प योग के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और अपनों में शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि इस चैनल के कोई भी अपडेट सबसे पहले आप पा सकें। भारतीय ज्योतिष को लेके कोई भी प्रश्न आप हमें कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हैं और पुरांजय ज्योतिष संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप हमारा वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। मैं सौरभ आप सभी से इजाजत चाहता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।